हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है, लेकिन दोस्तों उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में ही, मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो स्टॉक का नाम आप लोगों के सामने मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। स्टॉक का नाम है इंडिया बुल हाउसिंग, जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। 279 रुपीज़ में अभी ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं 11% का इसमें जो है गिरावट देखा गया है दोस्तों। 11% का गिरावट खत्म, 11% का रिकवरी शुरू। आप लोगों को क्या करना है, दम भर खरीदना दोस्तों, एक भी शेयर छूट ना जाए। मतलब जो भी हो भाई, खरीद तो लो, ठीक है ना, प्रॉफिट तो कर लो, ठीक है। तो ये स्टॉक अभी देख सकते हो, जब वो ओपन हुआ था दोस्तों, ओपन कितने पे हुआ था, ओपन हुआ था 300 रुपीज के प्राइस में, ठीक है। फिर लोएस्ट कितना गया था टुडे, यहां देख सकते हो दोस्तों, लोएस्ट कितना गया था 75 में, ठीक है, 79 में, मतलब लोएस्ट में ही जाके ये रुका हुआ है, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट कितना गया था दोस्तों, तो 306 रुपीज, मतलब थोड़ा सा 3 रुपीज के आसपास जो है फर्क था। लेकिन आज दोस्तों ये बहुत बहुत अच्छा रिटर्न देगा आप लोगों को, तो खरीदना ही खरीदना है, चाहे जो भी हो भाई, आप सोच लो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, ये स्टॉक आपको खरीदना है करके, ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि दोस्तों ये इसके बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग पे जितने भी आरोप थे दोस्तों, वो सबको जो है क्लीन चिट दे दी गई है। मतलब कि दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग अब एक ब्लैक नहीं व्हाइट पेपर बन चुका है। और बहुत बड़ी न्यूज़ ये है दोस्तों कि इंडिया बुल हाउसिंग के ऊपर कोई फाइंड नहीं कर पाया कि उसके ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे इंडिया बुल हाउसिंग को दबा दिया जाए। पहले तो मत देखिए, पहले तो मार्केट को पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केट ही नेगेटिव जा रहा है तो दोस्तों हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट नेगेटिव जाता है तो बहुत सारे स्टॉक के लिए ये संभावना रहता है कि मतलब ज़्यादा गिर ही जाएगा, ठीक है। जो स्ट्रांग नहीं रहते वो तो फिलहाल गिरी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, बताया जा रहा है एक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन हैज़ नॉट फाउंड एनी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इरिगेशन, मतलब कि दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम अभी यहाँ पर देख सकते हो कौन सा इंडिया बुल हाउसिंग ग्रुप में नहीं फाइंड किया गया है। तो इसके वजह से दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग में बहुत तो पहले आरोप लगाए जा रहे थे, ये है वो है, लेकिन अब इसको दोस्तों कोर्ट के तरफ से, ठीक है, जजमेंट मिल गया है कि ये जो इंडिया बुल हाउसिंग है वो क्लीन चीट है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, और दोस्तों ये कंपनी में ये भी बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर को हो सकता है कि डिविडेंड मिलने की संभावना हो, जैसे कि अभी बताया जा रहा, ठीक है। अभी ये जो है 100% कन्फर्म मैं नहीं बोल सकता, जो न्यूज़ है, जो डेटा है, वो उसी के बेस पे मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, डिविडेंड के लिए जो है मैं साफ साफ पिक्चर्स में दिखा दे रहा हूँ कि डिविडेंड के लिए इन्वेस्टर को बताया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर में भी ऑब्जर्वेशन करके बताया जा रहा है कि आपको कम से कम तो डिविडेंड यील्ड जो है 3% के आसपास तो होना ही चाहिए। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, जो शेयर होल्डर हैं, जो शेयर होल्डर शुड ऑलवेज चेक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंशियल डिविडेंड आर द अफोर्डेबल, मतलब कि दोस्तों जो डिविडेंड है उनको हर बार चेक करके बताना चाहिए, क्योंकि भाई जो जिनका है उनको तो मिल जाना चाहिए ना। अब मान लीजिए कि आपको डिविडेंड मिलने वाला है लेकिन कंपनी ने नहीं दिया, तो वो गलत है ना। डिविडेंड सबके लिए देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ प्रॉफिट जब अर्न करती है तो दोस्तों देना ही पड़ता है। तो कंपनी अगर नहीं दे रही है, बचा ले रही है खुद के लिए, तो वो गलत बात है, ठीक है। तो बहुत बड़ा न्यूज़ है दोस्तों, तो मैं आता हूं, ठीक है, कि अभी देखिए मैंने जो है मार्केट ओपन होने से काफ़ी पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। और अभी देख लीजिए स्टॉक 279 पे, भाई आप देख लीजिए, जो भी आपको खरीदना है, चाहे मतलब सावधानी से काम कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जब ये अपर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दे फिर भी दोस्तों, तो आराम से खरीदेगा थोड़ा थोड़ा करके, जिसमें आपको प्रॉफिट तो थोड़ा मिले, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए आप सही रास्ते पे जा रहे हो कि नहीं। बस मतलब कि हो सकता है कि इसमें अपर सर्किट लगा, तो मैं देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हो पेड सर्विसेज, तो आपको एक दिन पहले बताया जाएगा, जिसमें आप जो है पहले खरीद सकते हो, आराम से जो है आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए बहुत स्पीड में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो आप ये सोचिएगा कि दोस्तों मैंने जो बताया वो रास्ता सही था, आप जो रास्ते पर जा रहे हो वो सही है, ठीक है। आपको क्या करना है, जजमेंट देना है, देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर भी मतलब मैं एक तरह से आपको जो है बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ।
और एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट को पॉजिटिव होना है, ठीक है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अगर गिरावट हो रहा है तो दोस्तों थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो मेरा व्हाट्सअप का नंबर, अगर आप हमारे साथ पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ये जो हमारा व्हाट्सअप का नंबर, इसके बाद ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। मार्केट पॉजिटिव रहा तो इंडिया बुल हाउसिंग आपको और अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर नेगेटिव में चले गए तो हो सकता है थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, क्योंकि जब पूरा मार्केट गिर रहा है तो स्टॉक्स को भी गिरना थोड़ा पॉसिबल हो जाता है।